भाई आपका पड़ोसी बहुत ही शैतान व्यक्ति है, जो आए दिन नए नए कारणों से आपको परेशान करता रहता है। तंग आ चुके हो आप उससे और चाहते हो उसे एक ऐसा सबक सिखाना जिसे वो जीवन भर याद रखे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए वो सारी कानूनी प्रक्रिया और वो सारे रास्ते लेके आया हूँ जिससे आप बिना पैसा खर्च करे, बिना लड़ाई झगड़े करे अपने पड़ोसी को सीधा कर दोगे। वो भविष्य में कुछ भी करेगा पर आपसे नहीं अटकेगा, या तो वो आपसे दूरी बनाकर रहेगा या वो आपका चेला बन के रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे कानूनी सुझाव भरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो समाज का एक अभिन्न अंग होता है, और हर व्यक्ति का पड़ोस उसका प्रारंभिक समाज होता है। ऐसे में पड़ोसी अगर शिक्षित है, समझदार है, सहयोगी है तो समाज में भाईचारा मजबूत होता है। लेकिन अगर पड़ोसी नालायक है, दुष्ट है, आपसे जलता है, रोज नए नए कारणों की वजह से एक विवाद की स्थिति को उत्पन्न करता है, भाई जैसे गली में अपनी गाड़ी खड़ी करके रास्ता ब्लॉक कर देता है, आपके घर के आगे कूड़ा डाल देता है, भाई नाली के पानी की निकासी के लिए आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, अपने घर में ऊंची आवाज में भाई म्यूजिक सुनता है, या दारू पी के गाली गलौज करके आपको और अन्य पड़ोसियों को भी परेशान करता है, तो ऐसे में जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन लोगों का कानून में भी इलाज संभव है। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप अपने पड़ोसी की जिस भी हरकत से परेशान हैं, सबसे पहले अपने पड़ोसी की उस हरकत की एक वीडियो बना लें। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ना आपको फोटो खींचनी है, क्योंकि फोटो में एडिटिंग की जा सकती है और वीडियो की जो एडिटिंग होती है उसको साफ देखा और पहचाना जा सकता है। इसलिए आपको जब भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े आप सबसे पहले उसकी एक वीडियो शूट कर लो। वो वीडियो आपके लिए कानूनी साक्ष्य का काम करेगा और आपके पड़ोसी के खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई को भी मजबूत करेगा। सबसे पहला रास्ता जो है वो ये है कि आप भारत देश के किसी भी जिले में रहते हो, हर जिले के SDM और DM ऑफिस का एक हेल्पलाइन नंबर होता है जो कि आपको गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको उस नंबर पे कॉल करना है। अब ये नंबर कोई आम नंबर नहीं होता, ये एक सरकारी नंबर होता है जो जनता के बीच में हेल्पलाइन के नाम से जारी किया जाता है, जिस पर जनता अपनी शिकायतें दर्ज करवाती है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये सरकारी नंबर है, इस पर शिकायतें दर्ज होती हैं, तो उन शिकायतों पे फॉलोअप भी होता है। जो विभाग और डिपार्टमेंट के उच्च अफसर होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो इस तरीके की जो शिकायतें इस नंबर पे दर्ज कराई जाती हैं उसका फॉलोअप भी लेते हैं, तो इसलिए कार्रवाई होनी तो बनती है। तो जब आप SDM साहब के इस हेल्पलाइन नंबर पे अपनी शिकायत को दर्ज करवाते हैं तो फॉलोअप तो देना पड़ेगा, इसलिए SDM साहब को कार्रवाई भी करनी है। अब इस शिकायत के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के तहत SDM साहब सबसे पहले एक PCR पुलिस वैन आपके यहाँ भेज देंगे, जिसके खिलाफ ये शिकायत आपने दर्ज कराई है पुलिस उसको अरेस्ट करके संबंधित थाने में लेके आएगी। IPC के सेक्शन 268 और 290 के अंतर्गत उसका पर्चा भरा जाएगा, उस पर फाइन बोला जाएगा, उसकी बेल ली जाएगी, उसके बाद उसको चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा। अब अगर वो फिर भी नहीं मानता, दोबारा आपसे आगे इसी तरीके का लड़ाई झगड़ा करता है, तो आपको इसी प्रक्रिया को एक बार फिर से अप्लाई करना है। जिले के SDM साहब के जो हेल्पलाइन कार्यालय का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर दोबारा आपको कॉल करनी है और अपनी शिकायत दर्ज करवानी है, और पुरानी शिकायत का भी हवाला देना है। तो अब क्या दोबारा पुलिस वाले आएंगे, उसको अरेस्ट करके ले जाएंगे, लेकिन इस बार जो पर्चा भरा जाएगा वो IPC अंडर सेक्शन 291 के अंदर भरा जाएगा, जिसमें कि उसको 6 महीने की कैद होगी, जमानत भी नहीं मिलेगी। तब वो सोचेगा यार मान जाता तभी सही था, तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। ठीक है भाई, इसी प्रकार यदि आपका पड़ोसी गली में गाड़ी खड़ी कर देता है, आप लोगों का रास्ता ब्लॉक कर देता है, तो उस अवस्था में भी आपको यही प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले उसका वो वीडियो शूट करना है और उसके बाद संबंधित नंबर पे आपको दोबारा से अपनी शिकायत दर्ज करवा देनी है। उसमें क्या होगा, पुलिस वाले आएंगे, आपके पड़ोसी को अरेस्ट करके लेके जाएंगे, IPC अंडर सेक्शन 289 के अंतर्गत जो हो कार्रवाई है वो की जाएगी, उसको फाइन किया जाएगा,
उसकी बेल ली जाएगी और उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। और फिर भी अगर वो ना माने तो आपके दोबारा कंप्लेंट करने के बाद वही 6 महीने की जेल और बेल भी नहीं है। अभी रुक जाओ और भी बताता हूँ। समस्या ये है कि भाई आपका पड़ोसी गली में बहुत रैश ड्राइविंग करता है, अपनी कार या अपनी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी तेजी के साथ लेके जाता है, लेके आता है। आपको लगता है कि भाई आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कि किसी दिन वो दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। तो ऐसे में आपको वही प्रक्रिया करनी है, उसका उस हरकत का वीडियो बनाना है। वीडियो बनाकर दिए हुए SDM साहब के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी है। पुलिस वाले आएंगे, पड़ोसी को लेके जाएंगे, फाइन लेंगे, बेल लेंगे और वार्निंग देंगे, छोड़ देंगे। और फिर भी अगर वो नहीं मानता तो आपको फिर यही प्रक्रिया अपनानी है। एक बार दोबारा हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी है और पुरानी शिकायत का हवाला देना है। तो इस बार उसके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। IPC के अंडर सेक्शन 279 के अंडर उस पर घोर कार्रवाई होगी, 6 महीने की जेल होगी और बेल भी नहीं मिलेगी। भाई इसी तरह से अगला मामला, अगर पड़ोसी दारू पी के गली में गाली गलौज करता है, शांति भंग करता है, तो ऐसे में फिर आपको वो यही प्रक्रिया अपनानी है। SDM साहब के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवाना है, वीडियो शूट करके। पुलिस वाले आएंगे, उसको उठा के ले जाएंगे, IPC के अंडर सेक्शन 294 के अगेंस्ट उस पर पर्चा दर्ज करेंगे और सीधा 3 महीने के लिए उसको जेल भेज देंगे। अब अगला सुन लो भाई, यदि आपका पड़ोसी शिविर के पानी के लिए और नाली के पानी की निकासी के लिए आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, तो ऐसे में आपको वही प्रक्रिया फिर अपनानी है। SDM साहब या DM साहब के जो हेल्पलाइन नंबर है कार्यालय के, उस पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी है। भाई जानता नहीं है आपका पड़ोसी अभी, इस मामले में बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ 5 साल की सजा का प्रावधान है। और इस मामले में जो कार्रवाई होगी वो IPC के सेक्शन अंडर 432 के अंतर्गत होगी। कई लोगों का ये कहना होता है कि ये सब तो कानूनी बातें होती हैं, खाली किताबों में लिखी होती हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों ऐसा होता है, जरूर होता है। अगर आप भी पीड़ित हैं तो जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया, आप उसी तरीके से अपनी शिकायत को दर्ज करवा के देखें, आपके शिकायत पे कार्रवाई जरूर होगी। आपका पड़ोसी भी सुधर जाएगा और पड़ोस के जो और लोग हैं वो भी आपसे सावधान रहेंगे कि भाई इससे तो दूर रहना, ये इसके पास इलाज है हर चीज का। तो इसलिए दोस्तों कार्रवाई तो होती है और जरूर होती है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इस तरीके की कानूनी सुझाव भरे वीडियोस लेके मैं आता रहता हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उन वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचेंगे। तो मिलते हैं अगली किसी कानूनी जानकारी भरी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।